नमस्कार, आप सभी लोगों का वर्चुअल क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे समक्ष विभिन्न वर्चुअल क्लास सेंटर में मौजूद शिक्षकगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो वर्चुअल क्लास यहां आयोजित होनी है वो स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर से संबंधित है और ये स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर इतिहास विषय का रहेगा। यह जो वर्चुअल क्लास का शीर्षक डिसाइड किया गया है, आप लोगों के डिमांड पर ही, आपके रिक्वायरमेंट पर ही डिसाइड किया गया था कि मध्य प्रदेश का स्वाधीनता आंदोलन, मध्य प्रदेश का स्वाधीनता आंदोलन 1857 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, जिसमें असहयोग आंदोलन से हमें अपनी बात करनी है, ये आपकी डिमांड पर निर्धारित हुआ था आज का ये लेक्चर। और मुझे लगता है कि आज के लेक्चर से आप लाभान्वित होंगे। इस प्रश्न पत्र के लिए, चतुर्थ सेमेस्टर के इस प्रश्न पत्र के लिए 100 अंकों का निर्धारण है, जिसमें 20% इंटरनल रहेंगे, सीसी के मार्क्स रहेंगे, और 80% सेमेस्टर एग्जामिनेशन थ्योरेटिकल जो आप देते हैं वो रहेगा, और मिनिमम मार्क्स रहेंगे 33%। लेकिन ऑटोनोमस कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में ये जो सीसी और सेमेस्टर एग्जामिनेशन का रेशियो रहेगा 30% और 70% रहेगा। तो ये इसकी स्कीम है और इस पर हम इस पेपर पर अपनी बात करें उसके पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि ये जो सिलेबस का निर्धारण किया गया है, मध्य प्रदेश का स्वाधीनता आंदोलन, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं। कभी भी किसी भी पाठ्यक्रम को किसी कक्षा के लिए निर्धारित किया जाता है तो उसके लिए निश्चित उद्देश्य होते हैं। किन पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाना है, विद्यार्थियों को हमें कौन सा कंटेंट देना है, कौन सा ज्ञान प्रदान करना है, ये बताना बहुत जरूरी होता है। और उसे ही मस्तिष्क में रखकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज या यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्टडीज या ऑटोनोमस कॉलेज की बोर्ड ऑफ स्टडीज पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है। इस पाठ्यक्रम के लिए, जो कि मध्य प्रदेश का स्वाधीनता आंदोलन का पाठ्यक्रम है, इसके लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे कि 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के परिणाम क्या निकले, उन परिणामों पर हमें विचार करना है। हमें यह देखना है कि मध्य प्रदेश की जो जनता थी, इस जनता पर अखिल भारतीय स्तर पर जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था या राष्ट्रीय जनजागरण चल रहा था, उसका प्रभाव मध्य प्रदेश की जनता पर कितना था, ये एक प्रमुख उद्देश्य था इसका। हमें यह देखना है कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध मध्य प्रदेश की जनता में कितनी समझ थी, उसको हमें निर्धारित करना है। उसके अंदर साम्राज्यवाद के विरुद्ध एकता का भाव क्या था, वो हमें यहाँ देखना होगा। इसके अलावा हमें यह देखना है कि मध्य प्रदेश में जो स्वाधीनता संग्राम हम देखते हैं या स्वाधीनता आंदोलन हम देखते हैं, उस आंदोलन में मध्य प्रदेश की महिलाओं की भूमिका क्या थी, यहाँ के आदिवासी, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासी जनजाति के लोग काफी हैं, तो उनकी भूमिका क्या थी, उनका योगदान क्या था। और इसी तरह से हमें किसानों के योगदान और विद्यार्थियों के योगदान के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना है, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इसके अलावा हमें देखना है कि देशी रियासतों में स्वाधीनता आंदोलन की स्थिति क्या थी, स्वाधीनता आंदोलन किस तरह से वहां संचालित हो रहा था, और देशी रियासतों की जनता की का रिस्पांस इसके लिए क्या था, वो किस तरह से रिस्पांस दे रही थी। इसके अलावा हमें बताना है कि उस पीरियड में मध्य प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, मध्य प्रदेश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न देशी राज्यों में या ब्रिटिश टेरिटरीज में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस किस तरह की थी। और हमें अध्ययन करना है इस पाठ्यक्रम के माध्यम से कि फ्रीडम मूवमेंट जो हुआ था, जो स्वाधीनता आंदोलन मध्य प्रदेश में हुआ था, उस आंदोलन की विरासत हमें क्या मिली, स्वाधीनता आंदोलन के पश्चात हम इस आंदोलन के माध्यम से क्या प्राप्त कर सके। और अंत में हमें देखना है कि इस स्वाधीनता आंदोलन के दौरान
मध्य प्रदेश में जो स्वाधीनता आंदोलन चला था, इस आंदोलन के दौरान किस प्रकार की आइडियोलॉजीज वहां काम कर रही थी, किस प्रकार की अवधारणाएं, किस तरह के विचार वहां पर काम कर रहे थे, इनका हमें अध्ययन करना है। तो ये विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को लेकर हमें इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होगा। आप विद्यार्थियों को ये जानना होगा कि मध्य प्रदेश के स्वाधीनता समर में, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक थे, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर स्वाधीनता आंदोलन। ये जो मानचित्र मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, ये भारत का मानचित्र है, और इस भारत के मानचित्र पर उन स्टेट्स को हाईलाइट किया गया है जिन स्टेट्स में कहीं ना कहीं 1857 ईस्वी का प्रभाव हमें दिखाई देता है। और ये मैंने इसलिए डिस्प्ले किया है कि ये जो मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये जो बीच का हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, और यहां पर ये हाईलाइटेड है। इसका मतलब यह है कि इस क्षेत्र में भी 1857 ईस्वी का कहीं ना कहीं असर था। ये फ्लेक्स मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं, ये ब्रिटिश भारत सरकार के फ्लेक्स थे, अर्थात 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हुई थी, और उसके पश्चात भारत में ब्रिटिश भारत सरकार की स्थापना होते हुए हम देख रहे हैं। और ब्रिटिश भारत सरकार का शासन किसके नाम से चल रहा था, क्वीन विक्टोरिया के नाम से चल रहा था। क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन था, क्वीन विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था, वही 1858 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम बना, और इसी अधिनियम के माध्यम से आगे आने वाले वर्षों में भारत में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा शासन चलाया जाना था। तो सत्ता का स्रोत कहां से आ रहा था, ब्रिटेन से आ रहा था, और वहां की जो महारानी थी वो क्वीन विक्टोरिया थी। जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हम 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद देख रहे हैं, वो देख रहे हैं 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक संस्था का गठन हो रहा है जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्र जाना गया। यद्यपि इस कांग्रेस की स्थापना इसलिए नहीं की गई थी कि ब्रिटिश भारत सरकार का विरोध किया जाए, इसे इसलिए स्थापित किया गया था ताकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक टूल के रूप में ब्रिटिश भारत सरकार उपयोग में ला सके। हालांकि ऐसा नहीं हो सका, और आगे आने वाले समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ मुखर होते हुए विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों की प्रमुख संस्था बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये पाठ्यक्रम की पृष्ठभूमि थी, हम पाठ्यक्रम तक पहुंचे उसके लिए आपको ये बताना बहुत आवश्यक था कि किस तरह से 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात जो महान विद्रोह या महान क्रांति हुई थी, उस क्रांति के पश्चात किस प्रकार से भारत में राष्ट्रीय चेतना का जागरण होता है, भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन होते हैं, और किस तरह से भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात उदारवादी नेताओं के द्वारा, उग्रवादी नेताओं के द्वारा, या जो अग्रगामी नेता थे उनके द्वारा, जिन्हें रिवोल्यूशनरी भी बोला गया है, उनके द्वारा ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़े जाते हैं विभिन्न तौर तरीकों से। और ये जो से चलता है 1920 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विविध रूप हमें दिखाई दे, जिसमें उदारवादी नेता लिबरल विंग के रूप में हमें अलग दिखाई देते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट के रूप में उग्रवादी नेता अलग दिखाई देते हैं, जिसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आदि शामिल थे।
1920 ईस्वी से भारत में राजनीतिक तौर पर एक अलग परिदृश्य दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस पीरियड में भारत में एक नए राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी का उद्भव हो चुका था। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने भारत में सक्रिय रूप से राजनीति में प्रवेश लेना शुरू किया और विभिन्न घटनाओं में उन्होंने विभिन्न राजनीतिक घटनाओं में या विभिन्न आंदोलनों के अंदर उन्होंने अपनी रुचि दिखाई। और चंपारण का जो बिहार का आंदोलन हुआ था उसमें यह आंदोलन पहला आंदोलन था जो गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो यूनिट फर्स्ट जो इस पाठ्यक्रम की जो पहली इकाई है, इस इकाई में हमें असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी जो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए तीनों महत्वपूर्ण आंदोलन थे, यह हमें प्रथम इकाई में पढ़ना है। ये जो आंदोलन चले थे ब्रिटिश टेरिटरीज और महाकोशल रीजन के अंदर, किस तरह से इनका प्रभाव हमें दिखाई देता है, इन तीनों आंदोलनों को हमें देखना होगा। ये जो तीनों आंदोलन हुए थे, इन तीनों आंदोलनों का विकास और इन तीनों आंदोलनों का प्रसार और इन तीनों आंदोलनों का जो परिणाम था, यह मध्य प्रदेश में कैसा दिखाई देता है, इसको हमें देखना बहुत जरूरी है। यह जो आपको मानचित्र यहाँ प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा भारत के मानचित्र पर उस समय के मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। मध्य प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा था, ये शेडेड इलाका है, ये विंध्य प्रदेश के रूप में हमें दिखाई दे रहा है और कलर हमें दिखाई दे रहा है, ये सैफ्रॉन कलर उस समय के सीपी एंड बरार के रूप में दे रहा है। सीपी एंड बरार है, ये महाकोशल वाला इलाका था। तो हमें महात्मा गांधी के तीन महत्वपूर्ण आंदोलनों के प्रभाव क्षेत्र को मध्य प्रदेश में देखना है अगर, तो हमें मध्य भारत में देखना होगा, विंध्य प्रदेश में देखना होगा और महाकौशल क्षेत्र में हमें देखना होगा। और महाकौशल क्षेत्र का फार नॉर्थ एरिया जो है, यह सागर, नर्मदा सागर टेरिटरीज के रूप में दिखाई देता है। ये वर्तमान मध्य प्रदेश भारत के मानचित्र पर दिखाई दे रहा है, इसको आप भलीभांति समझ सकते हैं। ये मध्य भारत था, मध्य प्रदेश का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ये जो एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये भोपाल रियासत के रूप में उस समय मौजूद था। और ये दे रहा है, मैंने अलग अलग आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से भारत के मानचित्र पर मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों को समझा जा सकता है। ये विंध्य प्रदेश था और ये सीपी एंड बरार जो मैंने भारत पर दिखाया था, ये सीपी एंड बरार वाला हिस्सा और इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये महाकौशल नर्मदा सागर टेरिटरीज के रूप में जाना जाता था। ये मध्य भारत और विंध्य प्रदेश संयुक्त रूप से दिखाया गया है इस मानचित्र में। यहां पर भी मध्य भारत और विंध्य प्रदेश शो हो रहा है, ताकि आप भलीभांति इस बात को समझ सकें कि ये जो हिस्सा है, ये मध्य भारत था और ये वाला हिस्सा विंध्य प्रदेश था। ये येलो शेडेड जो इलाका है, ये ग्वालियर रियासत से संबंधित था। ब्लू शेडेड जो इलाका है, इंदौर रियासत से संबंधित था और अन्य रियासतें थी। इधर बुंदेलखंड, ये वाला जो हिस्सा है, ये बुंदेलखंड का हिस्सा था जो बाद में विंध्य प्रदेश में शामिल किया गया था और ये रीवा कहलाता है जो कि विंध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। जब हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किन परिस्थितियों में किया गया था करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी के तीन महत्वपूर्ण आंदोलनों की चर्चा होती है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तीनों ही आंदोलन स्टेप बाय स्टेप चलाए गए थे और तीनों के बीच में लगभग लगभग 10 साल का अंतराल था। जब 1921-22 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो उसके लिए महात्मा गांधी विवश क्यों हुए थे? इसलिए विवश हुए थे क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश भारत सरकार ने भारत के अंदर
भारतीयों पर दमनात्मक कार्य शुरू किए थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हमें दिखाई दे रहा है, रोलेट एक्ट हमें दिखाई दे रहा है, इसके अलावा एक और मूवमेंट हुआ था जो खिलाफत आंदोलन के रूप में हमें दिखाई देता है। इन सारी परिस्थितियों की वजह से महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत सरकार को असहयोग करने का निर्णय लिया था। महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी वो विचारधारा अग्रेसिव नहीं थी, आक्रामक नहीं थी, वो विचारधारा असहयोगी विचारधारा थी। वो अहिंसा में विश्वास कर रहे थे और अहिंसा के पथ पर चलते हुए ब्रिटिश भारत सरकार को झुकने के लिए विवश करने की नीति पर चल रहे थे। और इसी दृष्टि से उन्होंने भारत के अंदर 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। और इस असहयोग आंदोलन में जो उन्होंने टूल्स बनाए थे, उन्होंने जो अपना प्रोग्राम तय किया था, उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने सत्याग्रह की बात रखी थी, उन्होंने अहिंसा की बात रखी थी, स्वदेशी को प्रमोट करने की बात रखी थी, खादी को प्रमोट करने की बात रखी थी, स्वदेशी के अंदर कुटीर उद्योगों को प्रमोट करने की बात रखी थी, उपाधियों को वापस कर देना, इसका प्रोग्राम उन्होंने रखा था, मध्य निषेध की बात उन्होंने की थी। तो ये विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम थे उन्होंने असहयोग आंदोलन रखे थे। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को लागू किया गया था। तो हमें यह देखना है कि मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन हमें दिखाई देता है। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में उस समय दो तरह के हमें भौगोलिक क्षेत्र दिखाई देते हैं। एक वो क्षेत्र थे जो सीधे सीधे ब्रिटिश भारत सरकार के अधीन आते थे, खासतौर पर सागर नर्मदा टेरिटरीज और महाकौशल, ये सीधे सीधे ब्रिटिश भारत सरकार के अधीन थे, यानी उन पर ब्रिटिश भारत सरकार का शासन चल रहा था। और दूसरे वो भूभाग थे जिन पर राजाओं के द्वारा शासन चलाया जा रहा था, देशी राजा अपनी सत्ता वहां संचालित कर रहे थे। तो ये देशी रियासतें संख्या में बहुत ज्यादा थी और ब्रिटिश टेरिटरीज का क्षेत्र बहुत छोटा था। इसके बावजूद जब हम असहयोग आंदोलन का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि ब्रिटिश टेरिटरीज में, खासतौर पर जबलपुर में, असहयोग आंदोलन का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि महात्मा गांधी इस क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के लिए दो बार गए थे। और इसी तरह से हम प्रिंसली स्टेट की बात करते हैं, देशी रियासतों की बात करते हैं, तो वहां पर भी हमें एकमात्र ऐसी रियासत दिखाई देती है, इंदौर, जहां असहयोग आंदोलन का कुछ प्रभाव हमें दिखाई देता है, क्योंकि महात्मा गांधी इस रियासत में भी लोकमान्य तिलक के नाम से तिलक स्वराज फंड में राशि एकत्र करने के उद्देश्य से वहां गए थे। तो असहयोग आंदोलन का मध्य प्रदेश पर प्रभाव जब हम देखेंगे तो वहां हमें दो स्थानों का जिक्र करना है, एक तो प्रिंसली स्टेट के रूप में इंदौर का जिक्र करना है और दूसरा महाकौशल का जिक्र करना है। महाकौशल जिसका प्रमुख केंद्र बिंदु जबलपुर था, जबलपुर से यह सारा संचालन हो रहा था, वहां पर असहयोग आंदोलन हमें प्रमुखता से दिखाई देता है। ये पूरा का पूरा जो पीरियड है गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ये गांधी जी विभिन्न अवसरों पर खिलाफत आंदोलन से गांधी जी को काफी मदद मिली थी असहयोग आंदोलन को संचालित करने में। ১৯৩০-৩১ में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के काफी समय पश्चात एक दूसरा मूवमेंट जो मास मूवमेंट था देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उसको प्रारंभ किया था। इसकी नौबत क्यों पैदा हुई थी? क्योंकि असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने जिन परिणामों की अपेक्षा की थी वो कहीं एकदम से स्वतंत्रता प्राप्त करने नहीं जा रहे थे, एकदम से स्वराज की स्थापना करने की स्थिति में नहीं थे। वो ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि असहयोग आंदोलन के माध्यम से हम एक बहुत बड़ा सुपरिणाम देखने वाले नहीं हैं, लेकिन यह भी उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी कि असहयोग आंदोलन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी को अहिंसा के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन जैसे देशव्यापी आंदोलन वापस लेना पड़ा। और चूंकि मध्य प्रदेश पर भी उसका बहुत अधिक प्रभाव हमें नहीं दिखाई देता है, तो इस आंदोलन को
विशेष मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना गया, लेकिन सिविल डिसओबीडियंस की जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में, बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, वहां के निवासियों में राजनीतिक जागृति हमें बड़े पैमाने पर दिखाई देती है, चाहे वो देशी रियासतें हो चाहे ब्रिटिश टेरिटरीज हो। दोनों ही क्षेत्रों में हमें यहाँ के लोगों के अंदर राजनीतिक जनजागरण, राजनीतिक अधिकारों के प्रति उत्सुकता उन्हें उनके अंदर हमें बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। तो जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था 1930-31 में, इसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अंग्रेजी कानूनों को या जो ब्रिटिश भारत सरकार के कानून थे, खासतौर पर नमक कानून को तोड़ने के लिए यह आंदोलन प्रारंभ किया था। और गांधी जी ने साबरमती से दांडी की यात्रा जो 241 किलोमीटर की थी पूरी करके 12 मार्च 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ा था, और यह एक संदेश दिया था कि इस देश के निवासी ब्रिटिश भारत सरकार के काले कानूनों को स्वीकार करने वाले नहीं है, वे सविनय अवज्ञा करेंगे, यानी उनके आदेशों की विनय पूर्वक अवज्ञा करेंगे, चाहे आप हमारे ऊपर लाठी डंडे चलाएं, हम आपके आदेशों को नहीं मानेंगे, आपकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, आपके कानूनों को नहीं मानेंगे। यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसका प्रभाव साफ रूप से दिखाई देता है। महात्मा गांधी यद्यपि आंदोलन के प्रारंभ होते ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन इसकी गूंज देश के कोने कोने में गई थी। मध्य प्रदेश पर भी इसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में चाहे वो जबलपुर का इलाका हो, रीवा का इलाका हो या फिर इंदौर का इलाका हो, भोपाल में भी हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन संचालित होने के चिन्ह प्राप्त होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव हमें कहां दिखाई देता है? जबलपुर में दिखाई देता है, महाकौशल इलाके में हमें दिखाई देता है। महाकौशल इलाका एक बहुत बड़ा इलाका था, ब्रिटिश टेरिटरीज का इलाका था, और यहां पर जब भी कभी कोई आंदोलन देशव्यापी होता था उसका प्रभाव हमें इलाके में दिखाई देता है, क्योंकि जबलपुर सीधे सीधे नागपुर से जुड़ा हुआ था, और नागपुर से चलने वाले कोई भी आंदोलन का प्रभाव हमें जबलपुर तक बड़ी तेजी के साथ, तीव्रता के साथ दिखाई देता है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि यही वो दौर था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर था, जब हमें इस क्षेत्र के अंदर खास तौर पर झंडा सत्याग्रह या झंडा सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह हमें दिखाई देता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी महात्मा गांधी पूरी तरह से अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा सके थे, क्योंकि 1931 ईस्वी में ही ब्रिटिश भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर और अन्य राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इसके पश्चात गांधी इरविन जो समझौता हुआ था और कम्युनल अवार्ड हमें दिखाई देता है, जिसमें उलझकर महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को गति नहीं दे सके थे। 1935 ईस्वी में ब्रिटिश भारत सरकार के द्वारा क्षमा चाहूंगा कुछ व्यवधान हो रहा है 1935 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा भारत के लिए एक भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था, जिसे भारत का ब्रिटिश भारत कालीन एक संविधान माना जाता है, और इस अधिनियम के माध्यम से, इस शासनादेश के माध्यम से भारत के ब्रिटिश भारतकालीन क्षेत्रों और देशी रियासतों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान या उपबंधों को रखा गया था, जिसमें भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की बात कही गई थी, भारत को एक संघ के रूप में स्थापित करने की बात की गई थी, भारत में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने की बात की गई थी। बहुत व्यापक ये अधिनियम लागू किया गया था, लेकिन भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों ने, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
अधिनियम को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। और इसी अधिनियम के परिस्थिति जन्य आगे चलकर जब हम देखते हैं तो ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता चला गया। और जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो महात्मा गांधी किसी भी प्रकार से भारतीयों का सहयोग ब्रिटेन को देने के पक्ष में नहीं थे। और ब्रिटेन, ब्रिटिश भारत सरकार यह चाहती थी कि भारतीय सेना द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से युद्ध में सम्मिलित हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती थी, महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारतीयों का इन्वॉल्वमेंट द्वितीय विश्व युद्ध में हो। भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए जब क्रिप्स मिशन भारत में आया तो उसकी जो सिफारिशें थी उसे भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था। और चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारत सरकार और ब्रिटेन पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी की यह सोच कि अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाया जाए, अगस्त 1942 ईस्वी में क्विट इंडिया एग्रीमेंट की योजना बनाई गई, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो की योजना बनाई गई। उसमें यह नारा दिया गया कि करो या मरो, डू और डाई का महात्मा गांधी ने नारा दिया कि ये वो अंतिम अवसर है जब आपको अपनी पूरी ताकत के साथ अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश करना है और इस आंदोलन में सक्रिय सहभागिता करनी है। तो यह आंदोलन भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, देशव्यापी आंदोलन था। यह आंदोलन केवल ब्रिटिश भारत प्रक्षेत्र में नहीं संचालित किया गया था बल्कि देशी रियासतों के अंदर भी इस आंदोलन को संचालित किया गया। हम द्वितीय इकाई में जब पहुंचते हैं तो वहां पर हमें बताया गया है कि देशी रियासतों में फ्रीडम मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह से संचालित हुआ, उसको हमें देखना होगा। और विद स्पेशल रेफरेंस हमें ग्वालियर का देना है, इंदौर का देना है, भोपाल का देना है, रीवा और बुंदेलखंड, यानी मध्य प्रदेश की जो प्रमुख रियासतें थी, खासतौर पर ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, रीवा, ये प्रमुख रियासतें थी। और बुंदेलखंड के अंदर भी, बुंदेलखंड में तमाम रियासतें थी जिसमें से ओरछा, दतिया, समथर, पन्ना, छतरपुर ये प्रमुख रियासतें थी। तो इन रियासतों में राष्ट्रीय आंदोलन कैसे हुआ हमें चर्चा करनी है। ग्वालियर के विषय में मैं आपको बात करूं उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की जो देशी रियासतें थी, क्योंकि इस यूनिट में हमें देशी रियासतों की चर्चा करनी है, तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख देशी रियासतें थी उन देशी रियासतों में राष्ट्रीय जनजागृति 1920 ईस्वी के बाद प्रारंभ होती है और कुछ देशी रियासतों में तो 1930 ईस्वी के बाद प्रारंभ होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि देश में एक तरफ 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय जनजागरण का काम हो रहा है, सामाजिक जागृति का काम हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे, बड़े क्षेत्र थे, देशी रियासतें थी जहां पर राष्ट्रीय जागृति का काम 1920 और 1930 ईस्वी के बाद प्रारंभ होता है। और इसी तरह की देशी रियासतों में ग्वालियर, रीवा, भोपाल आदि देशी रियासतें भी सम्मिलित थी और बुंदेलखंड की देशी रियासतों को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। जहां तक ग्वालियर का प्रश्न है, ग्वालियर में सिंधिया राजवंश का शासन था, देशी रियासत थी, वहां मोनार्की थी, राजतंत्र था, सिंधिया राजवंश द्वारा वहां शासन चलाया जा रहा था, ये उनकी ध्वजा थी, कोट ऑफ आर्म्स वहां का सिंधिया राजवंश का था। और यहां पर सिंधिया राजवंश के द्वारा, सिंधिया राजवंश ने ग्वालियर रियासत पर शासन किया था। आपको यह समझना होगा कि जो ग्वालियर क्षेत्र था, यह आज का ग्वालियर क्षेत्र, आज का जो ग्वालियर जिला है उससे कहीं दुगना तिगना क्षेत्र, करीब तीन गुना क्षेत्र ग्वालियर रियासत में सम्मिलित था। और इंदौर के आसपास के इलाके, मंदसौर के कुछ इलाके तक ग्वालियर रियासत के अंदर सम्मिलित होते थे, जैसा कि मैंने मानचित्र में आप लोगों को बताया भी था। तो ग्वालियर में जो हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्थिति देख रहे हैं, असहयोग आंदोलन का प्रभाव हमें वहां नहीं दिखाई दे रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में कुछ हमें वहां पर हितकारी सभा या सार्वजनिक सभा के रूप में जो संस्थाएं वहां स्थापित हुई थी वहां पर हमें कुछ उसका असर दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन
वहां होते हुए हमें दिखाई देता है, खासतौर पर स्टूडेंट्स के द्वारा आंदोलन चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और अटल बिहारी वाजपेयी उस जो छात्र आंदोलन था उसमें सम्मिलित हुए थे। इंदौर की अगर हम बात करेंगे तो इंदौर भी प्रिंसली स्टेट था, देशी रियासत थी, यहां पर होलकर्स का शासन चल रहा था, होलकर राजवंश यहां शासन चला रहा था, यह उनकी ध्वजा थी और कोट ऑफ आर्म्स आपके सामने प्रस्तुत है। इंदौर में जरूर हम असह्य आंदोलन आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव देखते हैं, क्योंकि इंदौर की जो लोकेशन थी वह गुजरात से करीब था, और आपको यह जानकारी होगी कि गुजरात में महात्मा गांधी गुजरात से ही आ रहे हैं, और गुजरात से ही कुछ प्रमुख आंदोलनों का प्रारंभ हुआ था, खासतौर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन हमें गुजरात से प्रारंभ होता हुआ दिखाई देता है। तो गुजरात का प्रभाव इस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में जरूर था, और इंदौर चूंकि गुजरात के करीब था तो वहां पर हमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन महत्वपूर्ण रूप से संचालित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और स्थानीय जो जनता थी भाव में आकर इस राष्ट्रीय जनजागृति के काम में, राष्ट्रीय आंदोलन के काम में सहयोग कर रही थी। भोपाल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत के मानचित्र पर बिल्कुल मध्य में स्थित है, यहाँ जो शासन चल रहा था यह विदेशी रियासत थी और यहाँ नवाबों का शासन था, अफगान नवाब थे यहाँ पर, और ये इनकी ध्वजा थी भोपाल के नवाबों की और कोट ऑफ आर्म्स भोपाल का। भोपाल में स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव बहुत अधिक नहीं था, यहां पर जनजागृति हमें 1930 ईस्वी के बाद दिखाई देती है, लेकिन मुस्लिम लीग का गढ़ होने के बाद भी मुस्लिम लीग का प्रभाव बहुत ज्यादा था यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना यहाँ आधार बनाया हुआ था और आगे आने वाले समय में भोपाल की जनता भी राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो रही थी। रीवा, जो कि विंध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और यहाँ पर भी देशी रियासत के रूप में बघेल शासक शासन कर रहे थे, यह इनका फ्लैग था, ध्वजा थी और कोट ऑफ आर्म्स यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। रीवा में हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन से राष्ट्रीय जनजागृति या स्थानीय लोगों के अंदर जागृति हमें दिखाई दे रही है और लोग आंदोलन कर रहे हैं विभिन्न छोटे छोटे इलाकों में, चाहे वो मैयर हो, चाहे नागोद हो, मनगवा हो, इन क्षेत्रों में आंदोलन हमें दिखाई देते हैं। और जब बुंदेलखंड की बात हो रही है तो ये एक अंचल के रूप में यहाँ बताया गया है कि बुंदेलखंड एक अंचल है और इस अंचल के अंदर करीब करीब 28 प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी देशी रियासतें थी, जिनमें बड़ी जो देशी रियासतें थी ओरछा, दतिया, समथर, पन्ना, छतरपुर, ये बड़ी रियासतें थी, और इन रियासतों में खास तौर पर जो बुंदेलखंड की रियासतें हैं बड़े पैमाने पर बुंदेला राजवंश के द्वारा संचालित हो रही थी। यहाँ पर 1925 ईस्वी के बाद हमें राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं, राष्ट्रीय जनजागृति के कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं। सवाल यह उठता है कि इन देशी रियासतों में ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि देशी राजाओं के द्वारा अपनी प्रजा को दबाकर रखा गया था। वहां की जनता में जन जागरण का कभी भी कोई प्रयास होता था तो उसको दबा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि यदि देशी रियासतों की प्रजा जागृत हो जाएगी तो देशी राजाओं को शासन करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में माध्यम से तमाम तरह के कानूनों के माध्यम से अपनी जनता को दबा कर रखा था और इस वजह से इन सारी देशी रियासतों में जन जागृति का काम बहुत धीमा, बहुत स्लो चलता हुआ दिखाई देता है। इकाई तीन में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर हमें पीपल्स मूवमेंट देखना है, प्रजामंडल के रूप में जो आंदोलन चला था वो देखना है और पार्टीशन भी देखना है। जो पीपल मूवमेंट्स हुए थे, पीपल्स मूवमेंट जो हमें दिखाई देते हैं वो प्रजामंडल के नेतृत्व में दिखाई देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कि चूंकि देशी रियासतों में
राजाओं का शासन था और राजाओं के द्वारा जनता पर तमाम दबाव था, जनता को दबाकर रखा जाता था, जनता को किसी प्रकार से बाहरी संपर्क से जुड़ने नहीं दिया जाता था। ऐसी स्थिति में देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से जितने भी आंदोलन चलाए जा रहे थे या जो भी गतिविधियां हो रही थी, उन गतिविधियों की गूंज या उन से संबंधित जानकारी इन देशी रियासतों में बहुत बाद में पहुंच पाती थी और आम लोगों तक पहुंचने में काफी समय लगता था। उन घटनाओं का क्या प्रभाव हो रहा है वो भी देशी रियासतों की जनता तक नहीं पहुंच पा रहा था। इधर एक और दूसरा कारण था, देशी रियासतों के राजाओं को का तो अपना एक रोल था ही, दूसरा एक और महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी देशी रियासत में हस्तक्षेप न करने की नीति अपना रखी थी। यहां इसको कहा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नजरिया था, उसके जो प्रोग्राम थे, वो केवल ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ थे। सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देशी राजाओं के कामकाज में हस्तक्षेप करने के मूड में नहीं थी। इसका तात्पर्य यह था कि वो किसी भी प्रकार देशी राजाओं के खिलाफ मोर्चा खोलना नहीं चाहती थी। इसलिए 1920 ईस्वी तक, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1920 ईस्वी तक यानी करीब करीब 35 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देशी रियासतों में हस्तक्षेप नहीं किया था। लेकिन 1920 ईस्वी में जब नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो वहां पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के द्वारा यह रेजोल्यूशन पास किया गया या प्रस्ताव पारित किया गया कि देशी रियासतों की जनता भी अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए, अपनी सिविल लिबर्टीज के लिए आंदोलन कर सकती है, लेकिन उस आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से नहीं चलाया जाएगा। वहां की जनता, वहां की प्रजा अलग से किसी संस्था की स्थापना कर सकती है, प्रजा मंडल की स्थापना कर सकती है और आंदोलन चला सकती है। यह पहली बार नागपुर पारित किया गया था। तो इसका तात्पर्य है कि 1920 ईस्वी तक देशी रियासतों में राजन जागरण क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे ये दो महत्वपूर्ण कारण थे जिसका जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं। और फिर 1920 ईस्वी के बाद मध्य प्रदेश के तमाम प्रिंसली स्टेट्स में वहां की प्रजा के द्वारा प्रजा मंडलों की स्थापना की जा रही है। प्रजा परिषद भी कहलाती है, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भी कहलाती हैं और प्रजा मंडल भी कहलाता है। तो विभिन्न देशी रियासतों में प्रजा मंडलों की स्थापना के बाद छुटपुट छुटपुट आंदोलन और सत्याग्रह हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो आंदोलन और सत्याग्रह हो रहे हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा नहीं हो रहे हैं, प्रजा परिषदों के द्वारा हो रहे हैं, हितकारिणी सभाओं के द्वारा हो रहे हैं, सार्वजनिक सभाओं के द्वारा हो रहे हैं, प्रजा मंडलों के द्वारा हो रहे हैं। ये कुछ पीपुल्स मूवमेंट्स हैं जिनका जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूंगा, जो यूनिट 3 में आपको पढ़ना होंगे, जैसे जंगल सत्याग्रह है, दतिया रियासत का जन आंदोलन है, ओरछा रियासत का भंग बोझ आंदोलन है, सोहागपुर में प्रजा परिषद का आंदोलन हुआ था, भोपाल में मर्जमेंट मूवमेंट हमें दिखाई देता है, नागौद आंदोलन, मैहर आंदोलन, विजय राघोगढ़ आंदोलन, बघेलखंड स्टूडेंट यूनियन जो बनी थी वह भी आंदोलन कर रही है, पुअर बॉयज एसोसिएशन का आंदोलन चला था बघेलखंड में, इसके अलावा तमाम स्टूडेंट कांग्रेस स्थापित हुई थी सतना में, रीवा में, ओरछा में, ओरछा सेवा संघ की स्थापना ओरछा में की गई थी, ओरछा रियासत के अंदर की गई थी, यह भी आंदोलन कर रही है। ओरछा के अंदर प्रजा मंडल स्थापित हुए थे, इन्होंने आंदोलन किए थे, दतिया राज्य प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी दतिया रियासत के अंदर। तो ये जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुए थे प्रिंसली स्टेट्स में या देशी रियासतों में, इन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्तर पर अपनी अपनी देशी रियासतों में अलग अलग आंदोलन संचालित किए थे। इन आंदोलनों का अन्य आंदोलनों से कोई लेना देना नहीं था, वे अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में अपने देशी राजा के खिलाफ या अपने देशी राज्य के अंदर अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए, अपने सिविल लिबर्टीज के लिए आंदोलन कर रहे थे। और उसमें यह सही है कि इस काम को करने के लिए उन्होंने जो टूल्स अपनाए थे वो टूल्स नो डाउट
महात्मा गांधी के जो टूल्स थे, अहिंसा, असहयोग, सविनय अवज्ञा, खादी, स्वदेशी, बहिष्कार, ये तमाम सारे जो टूल्स थे, इन्हीं टूल्स का उन्होंने सहारा लिया था, राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम नहीं लिया था। इस तृतीय इकाई में हम पार्टीशन करेंगे, यानी भारत विभाजन की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन और द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान कुछ परिस्थितियां इस तरह की निर्मित हुई थी कि ब्रिटिश सरकार के ऊपर, तमाम ब्रिटिश भारत सरकार के ऊपर तमाम प्रेशर्स आ गया था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि उन्हें भारत को छोड़ना था, लेकिन वह भारत को इस तरह से छोड़कर जाने के मूड में नहीं थे। भारत को कम्युनलिज्म के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर विभाजित करने के मूड में थे और इसी वजह से भारत का विभाजन हुआ था। यही हमें यूनिट 3 में पढ़ना है। मध्य प्रदेश पर इस पार्टीशन का क्या प्रभाव पड़ा था, इसको हम देखेंगे। यह डायरेक्ट एक्शन डे, जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा 1946 में हुआ था के ऊपर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर के भारत का विभाजन हो। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की रूपरेखा तैयार की थी और 1947 ईस्वी का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, इसने भारत का विभाजन निर्धारित किया था। और ये मानचित्र बता रहा है कि दो राष्ट्र यहाँ निर्मित हुए थे, सैफ्रॉन कलर में भारत और ग्रीन कलर में पाकिस्तान। ये पश्चिमी पाकिस्तान था और ये पूर्वी पाकिस्तान था। तो इस तरह से दो देशों में भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान के रूप में। ये उनके झंडे और ये उनके राष्ट्रीय चिन्ह थे भारत और पाकिस्तान के। लेकिन का जो अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत भारत का इंटीग्रेशन कैसे होगा, भारत का एकीकरण कैसे होगा, इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया था और वीपी मेमन इनके मेनन इनके सहयोगी थे जिन्होंने भारत के एकीकरण का महत्वपूर्ण कार्य किया था। उस समय भारत में कुल जमा देशी रियासतें थी, 562 देशी रियासतें। अंदाज लगा सकते हैं कि एक ही देश के अंदर 562, इसका मतलब 562 शासक थे इस देश के अंदर अलग अलग, जो अलग अलग क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। इनमें से 98% देशी रियासतों ने भारत में विलीन होने का, भारतीय संघ में विलीन होने का निर्णय लिया था। कुछ देशी रियासतें ऐसी थी जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, इन रियासतों में विद्रोह हुआ था और सरदार पटेल को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। यह स्थिति जो राष्ट्रीय स्तर पर हमें दिखाई देती है, प्रादेशिक स्तर पर यानी मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में हम इसको देखें कि पार्टीशन हमें कहां है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश की सभी देशी रियासतों ने भारतीय संघ में विलीन होने का निर्णय लिया था। केवल एक देशी रियासत थी भोपाल, जो भारतीय संघ में या फिर पाकिस्तान में सम्मिलित होना नहीं चाहती थी। वो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती, वो स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मर्जरमेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के द्वारा नवाब के ऊपर काफी प्रेशर बनाया गया, तमाम वार्ताएं हुई और भोपाल में भी मर्जरमेंट मूवमेंट हुआ, विलीनीकरण आंदोलन हुआ वहां की जनता के द्वारा, जिसने भोपाल के नवाब के ऊपर यह प्रेशर बनाया, यह दबाव बनाया कि आपको भोपाल को भारतीय संघ में विलीन करने के लिए सहमत होना पड़ेगा। और अल्टीमेटली भोपाल के नवाब हमीदुल्ला ने कॉन्वेंट पत्र पर, मर्जरमेंट एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए, यह शर्त रखते हुए कि साइन तो मैं कर रहा हूं, मैं अपनी हार मान रहा हूं, मैं सरेंडर कर रहा हूं, लेकिन इस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर रहा हूं, इसकी जानकारी आम जनता को तत्काल प्रदान न की जाए। सरदार पटेल इस बात के लिए सहमत हुए थे और काफी समय बाद भोपाल के मर्जरमेंट संबंधी प्रपत्र को डिस्प्ले किया गया था। ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी मध्य प्रदेश में, खासतौर पर मध्य भारत के अंदर और विंध्य प्रदेश में, क्योंकि बाकी का जो हिस्सा था महाकौशल, वहां पर प्रिंसली स्टेट्स बहुत कम थी। मध्य भारत में प्रिंसली स्टेट्स बहुत थी और विंध्य प्रदेश में भी प्रिंसली स्टेट्स बहुत थी, तो इनका जिक्र मैंने यहां किया है। ये मैं डिस्प्ले कर रहा हूं कि विभिन्न प्रकार की प्रिंसली स्टेट्स जो यहां मौजूद थी, अजयगढ़, अलीपुरा, अलीराजपुर, बरौदा, बरवानी,
बासोदा, भैसुंदा, भोपाल, बिजावर, चरखारी, तमाम जो देशी रियासतियां, ओरछा, देवास, धार, धुरवाई, ये बहुत सारे करीब करीब 100 के आसपास देशी रियासतें उस समय मध्य प्रदेश में मौजूद थी। यह तमाम देशी रियासतों का जिक्र मैंने यहां पर किया है और यह मर्जरमेंट किस तरह से हुआ था इसका जिक्र मैं ऑलरेडी आपको कर चुका हूं कि मध्य प्रदेश की जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने भारतीय संघ में विलीन होने का निर्णय, भोपाल भी सम्मिलित हो गया था। ये भोपाल की लोकेशन है। चौथी इकाई में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर पाते हैं कि हमें फ्रीडम स्ट्रगल में महिलाओं का क्या योगदान था, आदिवासियों का क्या योगदान था और प्रमुख फ्रीडम फाइटर्स कौन से थे, इसको हमें पढ़ना होगा। इस देश के अंदर जब 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन हो रहा था तो उस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में बड़े पैमाने पर इस बात पर जोर दिया गया था कि स्त्री का उद्धार होना चाहिए, नारियों का उत्थान होना चाहिए। और जिस देश के अंदर 19वीं शताब्दी में इस तरह का कार्य किया जा रहा हो इसका तात्पर्य यह है कि समाज में स्त्रियों की दशा क्या थी, इसका अंदाज लगाना बहुत आसान था। तो भारत में जो राष्ट्रव्यापी देशव्यापी आंदोलन हो रहा था स्वाधीनता के लिए तो हमें यह अध्ययन करना बहुत जरूरी है कि इस स्वाधीनता आंदोलन में स्वतंत्रता समर में महिलाओं की भूमिका क्या थी। और हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारत क्षेत्र में या देशी रियासतों में जो मध्य प्रदेश में मौजूद थी वहां पर तमाम राष्ट्रीय जनजागरण कम होने के बावजूद भी इन क्षेत्रों में हम महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में या जो अन्य स्थानीय आंदोलन हुए थे जिन्हें जन आंदोलन के रूप में जाना जाता है, इन आंदोलनों में उन्होंने अपना योगदान दिया था। और इसको इस रूप में भी कहा जा सकता है कि कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में सहयोग किया था और तमाम महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से घर के अंदर रहते हुए या मोहल्लों में रहते हुए अप्रत्यक्ष रूप से, वो आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हुई लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अपने अपने परिवार के पुरुष सदस्यों का उन्होंने सहयोग किया था, उनको संबल प्रदान किया था। ये हम फ्रीडम स्ट्रगल में महिलाओं की भूमिका निर्धारित कर सकते हैं। यह तमाम महिलाएं हैं जिनका जिक्र मैंने यहाँ पर किया है। ऐसी महिलाएं जो 1857 ईस्वी में जिन्होंने तलवार अपने हाथ में ली थी, रानी झांसी, अवंतीबाई, जलकारीबाई, काशीबाई, जूहूबाई, सुंदर मुंदर, मोतीबाई, ताईबाई, ये सारी महिलाएं, नलनी मोहन मुखर्जी जो जबलपुर से थी जिन्होंने जबलपुर में राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग किया था, सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, जो लाइन्स इन्होंने लिखी, जो पोयम इन्होंने लिखी वो जन जन तक है इस देश में। तो ये जो महिलाएं थी इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग प्रदान किया था। मध्य प्रदेश में चूंकि आदिवासी काफी थे, भील आंदोलन में सम्मिलित हुए थे, गोंड भी सम्मिलित हुए थे, बैगा भी, कोरकू भी हमें दिखाई देते हैं, कोल भी हमें दिखाई देते हैं और कहीं कहीं सहारियाओं के द्वारा भी राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग प्रदान किया गया था। जो प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स थे, एक लंबी सूची है हमारे पास, अलग अलग देशी रियासतों के फ्रीडम फाइटर्स थे, ब्रिटिश टेरिटरीज के फ्रीडम फाइटर्स थे जिनका जिक्र, सभी का जिक्र किया जाना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन मैं एक आपको संदेश देना चाहता हूँ, एक संकेत यह देना चाहता हूँ कि हम ऐसे फ्रीडम फाइटर्स की तैयारी कर सकते हैं जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों में सहयोग प्रदान किया था, जैसे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, नारायण दास खरे, प्रेम नारायण खरे, भगवान दास माहौर, शैलेंद्र घोष, प्रफुल्ल चक्रवर्ती, ये ऐसे नाम मैं आपके सामने गिना रहा हूं जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे लेकिन क्रांतिकारी थे। तो जब हम मध्य प्रदेश में क्रांतिकारियों की बात करेंगे तो इन सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हमें उसमें सम्मिलित करना होगा। 1857 ईस्वी के बाद के भी बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिक्र यहाँ किया जा सकता है। कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे थे जो देशी रियासतों के राजा थे लेकिन ब्रिटिश भारत सरकार के विभिन्न प्रकार के
दबावों के कारण परेशान थे और उन्होंने आंदोलन छेड़ा था, ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे राष्ट्रवादी नेताओं के भी नाम हम ले सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम हम ले सकते हैं। देशपद बुंदेला उनमें से एक थे, बहादुर गोपाल सिंह जो कि गरौली के थे, राजा परिषद का नाम लिया जा सकता है, जवाहर सिंह पवार का नाम लिया जा सकता है जो कटेरा के दीवान थे, लाला राम वाजपेयी, श्यामलाल साहू, अवधेश प्रताप सिंह, रणमत सिंह जो कि रीवा से थे, ये सारे के सारे। तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि फाइटर्स को इसी तरह से बुंदेलखंड के फ्रीडम फाइटर्स की बात हो सकती है, ग्वालियर के फ्रीडम फाइटर्स की बात हो सकती है, जबलपुर के फ्रीडम फाइटर्स की बात हो सकती है और इंदौर के फ्रीडम फाइटर्स की बात हो सकती है। ये तमाम फ्रीडम फाइटर्स के नाम हैं यहाँ पर। ये जबलपुर से एक पूरी सूची है फ्रीडम फाइटर्स की जो प्रमुख, वैसे तो वहां 200-300 के आसपास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, लेकिन मैंने इसमें प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिक्र किया है। पंडित सुंदरलाल का भी जिक्र मैंने किया है, ये वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने भारत का स्वाधीनता आंदोलन किताब भी लिखी है। द्वारका प्रसाद मिश्र ने भी मध्य प्रदेश का स्वाधीनता आंदोलन नामक किताब लिखी थी जो बहुत प्रसिद्ध है। पांचवी इकाई में हमें द लीगेसी ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट और आइडियोलॉजिकल डायमेंशन पढ़ना है। इसमें हमें यह बताना मध्य प्रदेश विरासत हेरिटेज हमें प्रदान की, तो हम देख सकते हैं कि ये जो हेरिटेज थी बहुत महत्वपूर्ण थी। मध्य प्रदेश के अंदर शायद मास मूवमेंट न होता, लेकिन एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट हमें यहाँ दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, असहयोग, स्वदेशी, खादी, बहिष्कार, ये टूल्स हमें दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमें जो इस आंदोलन की हेरिटेज दिखाई देती है वो राष्ट्रीय नेताओं के रूप में हमें कुछ दिखाई देती है, जैसे वीएस कापड़े, जो दादा साहब कापड़े थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। अगर हम बात करें रणवत सिंह की तो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। इसी तरह से गोपी कृष्ण विजयवर्गीय की बात करें, लीलाधर जोशी की बात करें, तखतमल जैन की बात करें, तो ये सब राष्ट्रीय स्तर की लीडरशिप हमें यहाँ दिखाई देती है। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय स्तर की नेता के रूप में हमें यहाँ दिखाई देती है। और उद्योग क्षेत्र में भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात या मध्य प्रदेश स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकास करता हुआ दिखाई देता है। लोगों को नागरिक अधिकारों की प्राप्ति हुई स्वतंत्रता आंदोलन की वजह से ही। मध्य प्रदेश के अंदर पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हुई, राज्य स्थापित हुआ, विधानसभा स्थापित हुई, तो स्वतंत्रता आंदोलन की वजह से ऐसा हुआ। मध्य प्रदेश हमें यहाँ दिखाई देती है वजह से ही संभव हुआ था। मध्य प्रदेश के लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो रहा है, यह भी हमें स्वतंत्रता आंदोलन की वजह से ही दिखाई देता है। साइंस और टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा है, विभिन्न प्रकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कार्य यहाँ पर हमें मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। यह सब इस वजह से संभव हो पाया क्योंकि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश को भी भारतीय संघ में विलीन किया गया और उसका अंतिम रूप से प्रभाव हमें दिखाई देता है। आइडियोलॉजी, इसकी अगर विभिन्न प्रकार की आइडियोलॉजी के बीच में क्लेशेस हमें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिखाई देते हैं, जैसे उपनिवेशवाद जो ब्रिटिश भारत सरकार ने स्थापित किया था उसके अगेंस्ट भारतीय जन, भारतीय प्रजा खड़ी हुई थी, तो कॉलोनियलिज्म वर्सेस इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल, हम साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद को देखते हैं। मार्क्सिस्ट आइडियाज का यहाँ पर विस्तार हो रहा है। संप्रदायवाद के विरुद्ध हम देखते हैं जो धर्म निरपेक्षवाद है वो दिखाई देता है। रेडिकलिज्म की जगह पर रिफॉर्मेशन हमें दिखाई देता है। राजतंत्र के खिलाफ लोकतंत्र दिखाई देता है। इसके अलावा जो औद्योगिकरण था, औद्योगिकरण करने की बात की थी, उसकी जगह पर कॉटेज इंडस्ट्रीज का जो मूवमेंट था वो हमें दिखाई देता है। समाजवाद के खिलाफ, मार्क्सवाद के खिलाफ या साम्यवाद के खिलाफ समाजवाद दिखाई देता है।
गांधी जी के अपनी आइडियोलॉजी थी उसको भी हम देख सकते हैं, अंबेडकर की अपनी आइडियोलॉजी थी उसको भी हम देख सकते हैं। इस तरह से जो पांचवीं इकाई है, पांचवीं इकाई में विभिन्न प्रकार के जो आइडियोलॉजिकल डायमेंशन हमें दिखाई देते हैं फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, उसका अध्ययन किया जा सकता है। ये तमाम सारी पुस्तकें हैं जिनका मैं जिक्र यहाँ कर रहा हूँ, जिनके माध्यम से आप अपने इस पाठ्यक्रम की तैयारी कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन किस तरह से संचालित हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या थी, भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान क्या था, या हम बता सकते हैं कि देशी रियासतों में राजनीतिक जनजागरण किस प्रकार से हुआ था, मध्य प्रदेश की देशी रियासतों में राजनीतिक जनजागरण कैसे हुआ, यह हम बता सकते हैं। जबलपुर के जंगल सत्याग्रह में किस तरह से लोगों ने आंदोलन किया था, ये तमाम सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके समक्ष प्रदर्शित किए गए हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद, और मैं आपका हार्दिक आभार करता हूं कि आपने शांतिपूर्वक इस लेक्चर को सुना, और विश्वास करता हूं कि इस लेक्चर से, इस वर्चुअल क्लास से आप लोग काफी लाभान्वित हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।